हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं आज के रियल टेक। तो अभी देखिए, मैं रनिंग रूम में था, सो के उठा हूँ तो देखा हूँ आपका नोटिस आ गया है, थोड़ा एग्जाम रिशेड्यूल्ड कर दिया गया है। उसमें क्या है, आरपीएसआई टेक्नीशियन और जेई का डेट थोड़ा आगे पीछे किया है, ईएलपी का डेट सेम है। अब आप लोग को थोड़ा सा परेशान करने वाला चीज़ आ गया है कि एग्जाम कंफर्म डेट हो गया। अब अगले 15 से 20 दिन में आप लोग का एग्जाम सिटी बता दिया जाएगा। एग्जाम डेट मतलब कंफर्म तो हो ही गया, एडमिट कार्ड भी आने लगेगा। आपको एग्जाम सिटी डाउनलोड करके आपको क्या ट्रेवल पास है और अपना जो भी टिकट वेट करना है उसको कंफर्म करना पड़ेगा। अभी आप लोग को करना क्या है, साथ ही साथ जिससे आपका एग्जाम में मतलब जो ये टेस्ट है ना, सॉरी जो एग्जाम है इसमें आपका सिलेक्शन हो जाए, इसके लिए क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। आप सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा लगभग, आप लोग का नहीं हुआ है तो भी मैं एक वीडियो डाल रहा था, उसमें आप देख सकते हैं कि कैसे फास्ट कर सकते हैं। जैसे क्या है, इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ लीजिए लास्ट टाइम में। अभी मैं बताने जा रहा हूँ आप लोग का जो टेस्ट में कैसे नंबर मतलब सॉरी एग्जाम में कैसे नंबर बढ़ेगा उसके बारे में। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को सबसे पहले प्रैक्टिस बुक लेकर आना है। ऑफलाइन ऑनलाइन भी आप दे सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो मैं जो ऑफलाइन में बता रहा हूँ वो ऑनलाइन में नहीं हो पाएगा। रीज़न क्या है कि बताता हूँ, आप लोग समझिए उस चीज़ को। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऑफलाइन में टेस्ट का टाइमिंग होता है 60 मिनट है, मतलब उसमें आप अलार्म लगा लेते हैं 1 घंटे का कि 1 घंटे में मेरे को 72 क्वेश्चन करना है। तो देखिए, यही तो सब लोग करते आ रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको 1 मिनट में अरे सॉरी 1 घंटे में 75 क्वेश्चन तो करने ही है, लेकिन आपको स्पीड इंक्रीज करने के लिए आपको क्या करना है, वो टाइमिंग जो है उसको घटा देना है। जैसे 60 मिनट का जो टाइमिंग होता है उसको घटा के आप 45 मिनट लेकर आइए। धीरे धीरे होगा, एक मतलब तुरंत नहीं हो जाएगा, जैसे आज ही लगाएंगे आज ही नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले 55 मिनट का टाइमिंग लगा के देखना है, 1 सेट 2 सेट 3 सेट 55 मिनट में लगाना है। उसमें 75 के 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कोशिश करिए कि 75 से 75 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो, और उसमें मतलब एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना है। जैसे मैं बोल दिया 75 अटेम्प्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि 75 गलत सही आप लगा दीजिए, जो आता है 75 क्वेश्चन को आपको टच करना ही करना है। आपको इतना टाइम होना चाहिए कि आप रिपीट कर सकें। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप टेस्ट मतलब जो टेस्ट देंगे ना, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें उसको कैसे करना है। तो पहले मैं जो करता था, मैं आपको बता रहा हूँ मेरा पर्सनल क्या उस पर एक्सपीरियंस रहा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। उसमें क्या है, देखिए सबसे पहले मैं जो एक टेस्ट था प्रैक्टिस बुक लेकर आया था, उसके लिए मैं 55 मिनट का टाइमिंग लगाता था, प्रैक्टिस करता था। 75 नहीं होता था मेरे से अटेम्प्ट, लेकिन मैं कोशिश करता था कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँ। पहले क्या है, शुरू में मैं देखता था जो क्वेश्चन मेरे को जीके जीएस रीजनिंग का मतलब देखते हुए या मैथ का क्वेश्चन कुछ होते थे ऐसे, जिसको बस देख के ही सॉल्व किया जा सकता था, उसको मैं सॉल्व कर देता था, मतलब एक ही बार में टिक करके चला जाता था ऑफलाइन में। फिर उसके बाद क्या है, 20-25 मिनट मतलब ऐसे लग जाता था मेरा रीजनिंग और साइंस वाइंस सब देखने में जल्दी जल्दी। तो बाकी अभी बचा है मेरे पास 20 से 25 मिनट, उसमें क्या है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मतलब जो हमको लग रहा है कि जल्दी से लगाया जा सकता है, उसमें टाइम देता था 10 से 15 मिनट। बाकी लास्ट के 5 मिनट में जो मेरा ऑप्शन ए मतलब थोड़ा रहता था ना कन्फ्यूजन 50-50 वाला क्वेश्चन, उसको मैं लास्ट में करता था, लास्ट के 5 मिनट या 10 मिनट में। तो इससे क्या होता था ना कि मेरा जो अटेम्प्ट रहता था 65+ रहता था, या बाकी लोग का भी ऐसे ही रहता था 60+ या 65+ रहता था। तो वही चीज़ आप भी लागू कर सकते हैं अपने मतलब लाइफ में। पहले आप 55 मिनट का टाइमिंग लगाइए, फिर 50 मिनट का टाइमिंग लगाइए, धीरे धीरे। जैसे अब एक ही बार में कम से कम 10 सेट लगाने के बाद ही आप 45 मिनट के टेस्ट लगाइएगा। और इससे इसको लगाने के लिए आप मैं बुक रिकमेंड करूँगा, तो रुक्मणी पब्लिकेशन का ALP के लिए आता है, टेक्नीशियन के लिए आता है, RPSI के लिए आता है, JEE के लिए भी आ गया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और बुक का मैं फोटो दे दूंगा आपको, आप देख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं लास्ट टाइम पे, मतलब हम लोग का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो भी आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे है, वहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर भी है, लेकिन उस पर कॉल नहीं लगेगा कि ओनली मैसेज आएगा व्हाट्सएप, आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।